नमस्कार, मेरा नाम देवदत्त रावसाहेब माने। मैं कोल्हापुर जिले से महाराष्ट्र से आया हूँ। 2 साल के बाद मुझे पोलियो के कारण दिव्यांगत्व आ गया। पढ़ाई लेते समय मुझे ये एहसास हुआ कि समाज में अपने जैसे जो दिव्यांग बांधव है वो बहुत तकलीफों से अपना जीवन जीता जा रहे। तो मेरे मन में ख्याल आया कि जो अपने दिव्यांग भाई है उनका दुख कुछ कम करने के लिए मुझे आगे आना चाहिए। तो मैंने कॉलेज लाइफ के बीच में कई संस्थाओं के बीच में काम करते करते दिव्यांगों के लिए छोटा बहुत काम करने लगा। उसमें से आज तक मैंने दिव्यांगों की शादी, दिव्यांगों के रोजगार मिलावे और दिव्यांगों के लिए छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने के हिसाब से उनको सहयोग किया। इसके कारण आज तक मुझे बेस्ट ट्रेनी अवार्ड और समाज रत्न अवार्ड और मेरे कॉलेज लाइफ में मुझे देशभूषण अवार्ड मिला हुआ है। आज तक मुझे जो समाज से सहयोग मिला और इसके कारण ही मैं मेरे दिव्यांग भाइयों के लिए कुछ कर सका। आज समाज में इन दिव्यांगों के लिए आज अपना भारत सरकार और सक्षमीकरण मंत्रालय दिव्यांग सशक्तिकरण के माध्यम से बहुत ही अच्छा काम जारी है। ये जो अवार्ड के लिए मुझे चुना गया इससे मुझे बहुत ही प्रेरणा मिल रही है और इससे मैं और प्रेरित होके मुझे काम करने के लिए बहुत बल मिल रहा है। और मैं समाज के दिव्यांग बांधव को मैसेज देना चाहता हूँ इस माध्यम से कि अभी सरकार ने हाथ बढ़ाया है तो हमें भी आगे आना चाहिए और अपने दुख कम करने के लिए हमको खड़ा रहना चाहिए। और इतना बोल के मैं मेरा 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।